हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू एवरीबॉडी। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में नया टॉपिक पढ़ेंगे, नेम द पिक्चर। सी डॉट डब्ल्यू डॉट राइट द नेम्स ऑफ द गिवन पिक्चर्स। यहाँ पे जो पिक्चर दिए हुए हैं उसके आपको नेम लिखना है। तो आगे मैंने पढ़ाया है, वैसे आपको पता है कि ये किसका पिक्चर है, तो के हैन का। तो उसका स्पेलिंग क्या है, तो के एच ई एन हैन। उसके बाद ये क्या है, नेट, तो उसका स्पेलिंग है एन ई टी नेट। उसके बाद ये कौन सा पिक्चर है, तो के वैम, तो के डब्ल्यू ई बी वैम। ये है डैन का पिक्चर, तो के डी ई एन डैन। फिर उसके बाद ये है जे ई टी जेड, और ये है पी ई एन पेन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज घुमाओ, वहाँ पे आपको वर्ड्स लिखने हैं। तो आपको जो मैडम ने आगे जो वर्ड्स सब सिखाए हैं उनमें से ही आपको यहाँ पे वर्ड्स लिखना है। तो जो भी आपको आता है वो आप लिख सकते हो, जैसे कि एच ई एन हैन, फिर आता है आर ई डी रेड, फिर डब्ल्यू ई बी वेब, एम ई एन मैन, पी ई एन पेन, के ई जी केग, बी ई डी बेड, पी ई जी पैग। वैसे मेरे जैसे आपको लिखना है, टी ई एन टेन, डी ई एन डैन। ओके, ऐसे मेरे जैसे आपको आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के लिखना है। सी डॉट डब्ल्यू डॉट ये करना मत, ये सामने वाले पेज में है जंबल वर्ड्स, वहाँ पे आपको सी डॉट डब्ल्यू डॉट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, री अरेंजिंग द जंबल लेटर्स टू नेम द पिक्चर। री अरेंजिंग, री अरेंज मतलब यहाँ पे जो तीन लेटर दिए हुए हैं वो उलट सुलट दिए हुए हैं, तो उसको एक एग्जांपल दिया है। देखो, प्रॉपर अरेंज करके उसको मैनर में लिखा है, और उसको प्रॉपर जो उसका स्पेलिंग है वो बनाया हुआ है। तो आपको हर एक पिक्चर दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हमको कौन सा लेटर पहले लिखना है। तो वहाँ पे हमको देखो, ये दूसरा पिक्चर है, तो के ई जी के का पिक्चर है। तो सबसे पहले हमको लिखना है के, उसके बाद ई, और उसके बाद जी। तो ये जो हम करते हैं उसको बोलते हैं रीअरेंज। रीअरेंज मतलब उसको हमने अरेंज कर दिया है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये पेन का पिक्चर है, तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा लेटर आएगा, तो के पी ई एन पेन है ना। उसके बाद है जेड, तो उसमें भी पहले आएगा सबसे पहले जे ई टी जेड। फिर कौन सा आएगा, तो के बी ई डी बेड। पिक्चर को आइडेंटिफाइड करोगे तो तुरंत आपको उसका स्पेलिंग आ जाएगा, डब्ल्यू ई बी वेब। और ये है मैन का पिक्चर, तो यहाँ पे लिखोगे एम ई एन मैन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज में है राइमिंग वर्ड्स, ट्रेस एंड राइट टू राइमिंग वर्ड्स इन ईच सेट। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है तो उसको देखना है, और वो स्पेलिंग को रीड करना है, उसको ट्रेस भी करना है। तो उस पर लिखना है एफ ई डी फीड। फीड मतलब खाता है, वो जो डॉगी है वो खा रहा है, उसको बोलते हैं फीड। तो आपको ये जो दो लेटर दिए हैं उसको भी ट्रेस करना है, और उसके पीछे ये जो ईडी वाला वर्ड है, पहले मैंने आपको आगे वाले पेज में समझाया था कि ऐसे जो वो दो पीछे वाले जो लेटर आते हैं उसको हिसाब से उसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ये जो बन गया राइमिंग वर्ड्स है ना। फिर यहाँ पे देखो, ये किसका पिक्चर है, तो के नेड का। तो ये जो पिक्चर के वर्ड्स दिया है उसको ट्रेस करना है, और उसके पीछे ये दो लेटर लगा देना है, और वो बन गया राइमिंग वर्ड्स।
तो इसका एनईटी नेट, एनईटी लेट और पीईटी पेट, तो ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। उसके बाद है ये ले, एलईजी ले, तो उसमें भी ऐसे करना है तो के पीईजी पे के ईजी के, तो ये ईजी ईजी जो दो लेटर लगाते हैं उसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो एम ई एन मैन, पी ई एन पेन और टी ई एन टेन। ओके यहाँ पे है बैग का पिक्चर तो के बी ए जी बैग, एल ए जी लेग और आर ए जी रैग। ये सब जो बना वो बन गया राइमिंग वर्ड। यहाँ पे है कैट का पिक्चर तो सी ए टी कैट, एम ए टी मैट, बी ए टी बैट। ओके बच्चों, तो इस तरह मेरे जैसे आपको भी आपके घर पे आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के लिखना है और घर पे होमवर्क भी करना है ऐसे। तो के सबसे पहले आपको होमवर्क करना है पेज नंबर 14 और 16 का, और उसके बाद अभी जो मैंने पढ़ाया है उसका भी नोटबुक्स में होमवर्क करना है। तो ये जो सब पिक्चर मैंने पेज करवाए हैं वो भी आपको होमवर्क में करने हैं। तो सबसे पहले आएंगे पेज नंबर 21, उसके बाद आएगा पेज नंबर 22 होमवर्क, उसके बाद आएगा पेज नंबर 23, उसके बाद है 23 और 24 साथ में ले लेना। ओके उसके बाद है होमवर्क पेज नंबर 25 और लास्ट में आएगा पेज नंबर 26। ओके तो ये ऑल पेज का होमवर्क आपको आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के आपकी इंग्लिश नोटबुक्स में करना है। ओके बच्चों, बाय।